closer. सुप्रभात, आप सभी सुन रहे हैं लिंगायत रेडियो और मैं हूँ श्रेया त्रिसिल। हमारा लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है चरित्र मंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिंगायत टीवी। मैं सौरभ शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम दी एल्यूमिनाई टॉक्स में। सर शदाब अहमद मोईजी से रामनाथ गोयनका का जर्नलिज्म अवार्ड विनर तक का ये सफर कैसा रहा, कितना चुनौतीपूर्ण और कितना मज़ेदार? और शदाब अहमद मोईजी से रामनाथ गोयनका का शदाब अहमद मोईजी आज भी है वैसे ही तो वो सफ़र चलता रहेगा, सफ़र अच्छा रहा है। और हमने 2010 से 13 के जो ग्रेजुएशन मेरा चल रही से था एल एल डी आई एस का, और अच्छा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और वेरी गुड आफ्टरनून जी, मैं हूँ श्रेया और शो चल रहा है व्हाट्स ट्रेंडिंग। अच्छा यार, आप सोच रहे होंगे कि श्रेया रोज मस्ती मौज वाली बातें करती है, आज श्रेया ने शायरी से कैसे स्टार्ट कर दिया? पहले तो आई एम फीलिंग वेरी नर्वस यार, होना चाहिए, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आज कॉलेज में आई है और रेडियो स्टूडियो में है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं लिंगायत टीवी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत युद्ध का माहौल बन चुका है। तो नमस्कार, मैं आदर्श शर्मा और आप देख रहे हैं एलएलडीएमएस टीवी। और हमने इसी साल एक नई सीरीज शुरू करी है जो है एलएलडीएमएस डिबेट्स के नाम, जिसके अंदर हम बात करते हैं अपने यूथ से और जानते हैं उनके विचार। और आज इसी बारे में कुछ नए विचार करने के लिए हमारे यहाँ पर आए मिस्टर निशांत राय। सर आपको पता होगा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं और हर तरह के जर्नलिस्ट और रिपोर्टर आज किसी ना किसी पक्ष की तरफ झुकाव है हर किसी का। और ऐसे टाइम में, ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अपने आप को कैसे अनबाइज रखते हैं और अपनी खबरों को सामने लेकर आते हैं? देखिए, अगर बात की जाए, आपने जैसा कहा कि सभी का अपना एक झुकाव है, तो मैं इसको बिल्कुल गलत मानूंगा। दरअसल जो हमारे जैसे रिपोर्टर होते हैं उनका काम होता है ग्राउंड पे जाना, जो खबर है एज इट इज बता देना। अब उसके बाद चैनल में तमाम चीजें तय होती हैं कि उनको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से नहीं चलाना है। पर इसमें एक वोट अगर मीडिया का है तो एक वोट इसमें देश के दर्शकों, हम लोगों का भी वोट है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ टेलीविजन चैनल वाले कुछ भी दिखाए, लेकिन अपने टेलीविजन का रिमोट तो मेरे हाथ में है, मैं उसमें क्या देख रहा हूँ? अगर और उसी से उनको टीआरपी मिलती है ना, अगर मैं देखना ही चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो दिन भर राम मंदिर पे दिखाते रहे और मैं उसी में इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, या दिन भर करवा चौथ मुझे देखना है, तो फिर चैनल वाले भी दिखाएं, क्योंकि उनके पास तमाम रिपोर्ट्स आती है कि लोग ये देखना चाहते हैं। उसमें